की एक प्रोफाइल एक गाने के साथ देख लेते, एक फील के साथ देख लेते तो और मजा आ जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। लेके जुगाड़ से यामा का सीडी डीलक्स का सामान इसमें लगाया गया है। अब भाई सस्ते में केफर रेसर मिल रही है, और क्या चाहिए आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। तो गाइस पेश है आप लोगों के सामने मॉडिफाइड स्प्लेंडर, ऐसा मैंने सोचा था। अगर आपको नहीं पता तो ऐसा आप भी सोच सकते हैं, हालांकि मॉडिफाइड स्प्लेंडर नहीं है, ये है स्प्लेंडर प्रो क्लासिक। भाई मतलब स्प्लेंडर क्या चीज़ बनाई थी यार, इसको क्यों नहीं चल पाई है, रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं चल पाई। ये सिंगल सीट आती थी, पहला रीज़न तो यही जिन भाई ने ले रखा है, पूरा ओरिजिनल है ये, लेकिन उसको इन्होंने डबल सीट करा के रखा है। ये जो इमेज अब देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये लुक था इसका सिंगल सीट वाला, कितना ज़बरदस्त लुक आता था भाई, मतलब मज़ा ही आ जाता था। अब जो मैं बता रहा था आपको नहीं चलने का रीज़न, बैठ के बताऊंगा, लुक देखिएगा आप एक बार, नहीं मज़ा आया तो पैसा वापस भैया। ये देखिए इसका जो लुक है, आय हाय हाय। नहीं चलने के दो मेन रीज़न, एक तो उस टाइम क्या है, सिंगल सीट लोग पसंद नहीं करते थे। 2014 के ऑटो एक्सपो में लॉन्च हुई थी, 2018 तक बंद हो गई थी। उस टाइम स्प्लेंडर 46,000 से लेके, बकरी थोड़ा सा निकल जाए, बस उस टाइम स्प्लेंडर जो है 46,000 से लेके 51,000 तक आती थी। ये 2,000-3,000 ज़्यादा में आ जाती थी। हालांकि 93.21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज भी क्लेम था इसका, और क्या चाहिए। जो लोग कैफे रेसर अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उन लोगों के लिए बनाई थी ये। अब भाई सस्ते में कैफे रेसर मिल रही, और क्या चाहिए आपको। पहला रीज़न तो सीट रहा, सीट की वजह से लोगों ने चूज़ी। दूसरा रीज़न ये रहा कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, 5'9" की हाइट है मेरी सिर्फ, उसके बाद भी मेरे घुटने बहुत मुड़ रहे हैं, लंबे लोगों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि जैसे मैं आपको एक बार इसका प्रेजेंस दिखाता हूँ, सेल्फ मिलता था इसमें। मेरे भाई जो शूट कर रहे हैं जिशान भाई, इनकी हाइट है 6'1", इनको भी बिठा के दिखाऊंगा तो प्रैक्टिकल हो जाएगा कि मेरे जैसे 5'9" 5'8" के बंदे, या 6 फीट या 6'1" के बंदे कैसे। अभी देखिए आप प्रेजेंस देखिए इसका, है आया मज़ा बहुत ज़बरदस्त। कुछ विंटेज जो चीज़ें करी थी वो बताता हूँ। सबसे पहले अपने भाई को बिठाता हूँ इस पर, और इनका लुक बताता हूँ कि 6'1" का बंदा है वो कैसा लगेगा, उनको कितनी दिक्कत आएगी इसमें। जो नहीं बिकने का रीज़न रहा था वो इसी से आपको पता चलेगा। तो अब हमारे साथ है हमारे जिशान भाई, जैसे कि 6'1" के। जिशान भाई जल्दी से बैठिए इस पर स्टैंड उठा के, देखिए अब कितना डिफरेंस है। अब इनको देखिए, आपको छोटी छोटी सी फील हो रही है ना, बिल्कुल आप बैठे हैं तो क्या फिर, है ना, बहुत ज़्यादा। अब एक काम करिए, लग अच्छी रही है, लुक बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसको स्टार्ट लीजिए और एक राउंड लगा के दिखाइए, तो थोड़ा सा इसका अपीयरेंस दिखाते हैं लंबे लोगों के हिसाब से। आप देख सकते हैं इनके कुछ ज़्यादा ही पैर मुड़ रहे हैं, चप्पल पहन रखी, कोई हाई हील या हाई बूट वगैरह भी नहीं है। बहुत मतलब लुक जो है ना, बस ले आइए। कुछ भी कहिए स्प्लेंडर से तो है, लग नहीं रहा कि स्प्लेंडर चला रहे हैं। मतलब ये एक जो लुक्स दिए हैं ना भाई, इसके बहुत ही ज़बरदस्त दिए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मतलब ऐसा नहीं कि इसके लुक्स के साथ इन्होंने इसमें चीज़ें प्रोवाइड करके नहीं दी थी, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करके दी हैं। मेन चीज़ें बताऊँगा आपको, आप ज़रूर देखिएगा इन चीज़ों को। अब भाई लोग आप एक चीज़ क्लियरली देखिए, मैंने इसको अच्छे से खड़ा करा है, क्रोम वर्क जो है इसमें वो इस ब्लैक के साथ कितने अच्छे से मैच हो रहा है। और मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता था, दो ही कलर आते थे, कार्बन ब्लैक होता था और एक होता था आपका सॉलिड मरून। लेकिन ये कार्बन ब्लैक जो आपके सामने खड़ा है, इसके साथ जो क्रोम का मैच हो रहा है, आय हाय। और जो हैंडल बार है भाई, इसकी ग्रैबिंग पोजीशन, इसकी वजह से भी नहीं चल पाई, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, इसे झुक के चले। भाई कैफे रेसर है यार, आप उसमें कंफर्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मतलब आप खुद, आपके पास है तो ज़रूर बताइएगा कि माइलेज कितना दे रही है। 93 का जो क्लेम करते थे वो दे रही है, ये आगे वजह से फेंक रहे थे ये लोग, तो आप भाई क्लियरली देख सकते हैं। और अगर आगे की तरफ मैं चलूँगा ना, तो ये जो हेडलाइट देख रहे हो, इस हेडलाइट की एक ख़ास बात मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। मतलब ऐसा आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार ये तो क्या नॉर्मल थी हेडलाइट, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। अब बेसिकली जो टर्म इसके लिए वो यूज़ करते थे, इसको बोलते थे पावरफुल राउंडेड मल्टी रिफ्लेक्टर 12 वोल्ट 35 वॉट हेडलाइट मिलती थी, जो आपको
बहुत ही अच्छा स्टेडी बीम निकाल के देती थी और मतलब प्रॉपर विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। और इसका जो क्लासिक लुक है ना हेडलाइट का, आप देख सकते हैं, इसी से इसका लुक और इन्हेंस हो जाता, इम्प्रेसिव क्लासी अपीरेंस आता है इसकी हेडलाइट का अगर आप देखें। अब मैं इधर चलूँ तो आप इसका क्लियरली टैंक देख सकते हैं, टैंक आप देखेंगे इसका, तो टैंक पर जो इन्होंने ये डिज़ाइन दे के रखी है जिसमें हीरो लिखा हुआ है, मतलब वो देखिए आप, सिंपल डिज़ाइन है, अट्रैक्टिव लगती है और विंटेज इंस्पायर्ड ग्राफिक्स इसमें आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कैफे रेसर है तो विंटेज जैसा लुक देने की कोशिश करी है। और मैं बता दूं उस टाइम से इसमें ये जो स्टैंड है इसका इंडिकेशन यहाँ पे आता था ताकि आप स्टैंड लगा दें, लगा ना रहे। और देख सकते हैं सब कुछ ये जो है ना आपको एनालॉग में मिलता था, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर वगैरह, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस पर ये जो फिनिश है, ये जो फिनिश आप देख रहे हैं ये भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। और हैंडल ग्रैबिंग की तो बात ही अलग है जब आप देखें तो। और अगर आप फ्रंट के क्रोम की वर्क बात करें तो फ्रंट फेंडर अब यहाँ से देखेंगे तो इंडिकेटर के पास से क्रोम वर्क आता है। अब जैसे कि भाई ने मेंटेन भी अच्छा कर रखा है, 2013-14 का मॉडल, लेकिन अभी तक देखिए अच्छा रखा है। नीचे जाएंगे तो फ्रंट मरघाट ये पूरा क्रोम में मिल जाता है, ये भी एक बहुत क्लासी सा टच इसको देता है। और मैं आपको बता दूं वेट होता था ना इसका 109 kg का वेट है, 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती थी। 109 kg वेट होने के कारण सब मतलब जो बंदे रहते हैं ना दुबले पतले, वो भी इसको काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं, हर कंडीशन में ड्राइव कर सकते हैं, हर कंडीशन में राइड कर सकते हैं। ड्राइव तो कार करते हैं, कुछ भी बोले जा रहा है भैया। अब इंजन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कैफे रेसर बना दी तो आपको इंजन बहुत खतरनाक दी, वही इंजन मिलता था 97.2 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन जो आपको देता था 8.2 bhp की पावर 8000 rpm पे और 8.05 nm का टॉर्क 5000 rpm पे, जो कि बढ़िया है। सिंगल सिलेंडर मिलता था इसमें और जो सेल्फ है डिजिटल CDI इग्निशन सिस्टम के साथ मिल जाता था, कार्बोरेटर में ही ये बाइक आती थी। और आपको बता दूं मैं इसका जो लुक है अलावेस नहीं इस स्पोक के साथ ही आता है, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है इस स्पोक के साथ ही। हालांकि भाई ने आगे पीछे के टायर जो थोड़े से चेंज करा के रखे हैं, यहाँ पर ग्रिप देखेंगे आप और इधर देखेंगे तो ये वाली ग्रिप है, बाकी तो भाई बहुत ज़बरदस्त। और सस्पेंशन की बात करें अपन तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इसमें मिल जाते हैं और रियर की बात करें तो 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन आपको पीछे की तरफ इसमें देखने को मिल जाते हैं। और सेफ्टी के नाम पे भी इसमें अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, ऐसा नहीं है कि सेफ्टी वेफ्टी नहीं मिलती थी। मिरर्स भाई ने निकाल के रख दिए हैं, मिरर्स इसमें है नहीं। अब आप इमेज में देख सकते हैं इस टाइप के मिरर आपको इसमें मिलते थे जो कि बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं भाई। और अब मैंने इसको खड़ा कर दिया एक इतनी अच्छी पोजीशन पे, थोड़ा सा अपन आगे पीछे इधर उधर की एक प्रोफाइल एक गाने के साथ देख लेते, एक फील के साथ देख लेते तो और मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे भूरा भाई हमारे साथ में आए, अभी बताओ सबसे पहले बताओ अभी जस्ट चल के आ रहा है ये बंदा, कौन सी गाड़ी है? स्प्लेंडर। तो ये कैसी ऐसे कैसे हो गई है यार? इसमें जो है कबाड़ खाने का सामान लेके जुगाड़ से यामा का सीडी डिलक्स का सामान इसमें लगाया गया है। अच्छा, यामा का सीडी डिलक्स का सामान लगाया गया है जी। वाह रे समझदार, वाह वाह। ये यामा का है। हाँ, और ये सीडी डिलक्स का इसके ऊपर जो है हैंडल है। वाह, देख सकते हैं आप क्लियरली कितने टेक्निकल बंदे हैं हमारे भूरा भाई। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई बुस्तों को पता ही नहीं, मुझे भी शुरू में ऐसे लगा कि यार ये मॉडिफाई करा के भोरा मियाँ, ये मॉडिफाई नहीं है, ये स्प्लेंडर क्लासिक है, 2014 में आती थी जो बंद हो गई, सिंगल सीट आती थी ये। ओके, हाँ ओके, समझ गए आप। और ये ओरिजिनल है, ये कोई मॉडिफाई नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है ये, समझे। और बाकी ये है कि अगर आप सिंगल सीट से सेटिस्फाई नहीं है तो जैसे कि भाई ने करा के रखा आप डबल सीट करा लो उसको, कोई इशू नहीं है। पूरा चैनिस पॉकेट इसका कवर आता था। आप बताइए खुद पर्सनली कमेंट करके बताइए, जो स्प्लेंडर चल रही है वो या ये? हालांकि सेगमेंट दोनों अलग है, ये कैफे रेसर के सेगमेंट पे बेस करना चाहिए उन्होंने, मतलब बनाना चाहिए थी, सस्ते में प्रोवाइड करके देना चाहिए थी। तो आपको सही लगा इसका बंद होना या नहीं लगा, या फिर ये अभी तक होना चाहिए थी? और जिसके पास भी है वो वीडियो तो ज़रूर देख रहा है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके पास कैसी रखी है, आपने क्या माइलेज मिल रहा है,
क्या मेंटेनेंस निकलता है और क्या क्या आपको अच्छाई इसके अंदर लगती है, बाकी तो सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। और बाकी अगर आपने ओरिजिनल सीट पे भी रख के रखा तो आप अकेले क्या एंजॉय करते हैं इससे ये, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं भैया दो ही सीट होना चाहिए थी। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताई। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो आपके भाई की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी अमेजिंग वीडियोस कार्स के, बाइक्स के और कमर्शियल व्हीकल्स के, मैं ऑनरशिप रिव्यूज ज़्यादा करता हूँ, वो आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।